Hello everyone, welcome to my channel all about biology and this is Jyoti Verma. आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोटेंट बुक्स की ऐसी बुक्स की जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है अगर आप एक एम बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आज हम लोग एम बॉटनी सेमेस्टर थ्री की बुक्स के बारे में बात करेंगे अगर आप लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट की हो तो वहाँ पर आपको एक लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा एम बॉटनी का ट्वेंटी का लेटेस्ट सिलेबस वहाँ पर मौजूद है और उस सिलेबस में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बुक्स को मैंशन रखा है कि कौन से सेमेस्टर के लिए कौन से पेपर के लिए कौन कौन सी बुक्स बेस्ट हैं तो उन बुक्स को लेकर ही आज हम यहां इस वीडियो में आए हैं जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि एमएससी बॉटनी सेमेस्टर थ्री के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट की हैं कि एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट के पास वो बुक्स होनी चाहिए दूसरी बात आप एम एस सी बॉटनी में कोई एक सिंगल बुक फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि एम एस सी के जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत वाइड होते हैं आपको किसी एक सिंगल बुक में एक ही टॉपिक या आपको किसी सिंगल बुक में सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे इसलिए आप लोगों को अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग बुक्स में सर्च करना पड़ेगा जिस भी बुक में आपको टॉपिक सबसे बेटर मिलता है आपको उससे अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए सो एमएससी बॉटनी सेमेस्टर थ्री के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो स्विटेबल हैं अब हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहला जो पेपर है वो है साइटो

विल्सन एंड वॉकर्स प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ बायो केमेस्ट्री सो ये जो बुक है विलसनस एंड वॉकर्स की बायो केमेस्ट्री की टेक्निक्स की इसमें आपको सारी टेक्नीस मिल जाएंगी जैसे कि इलेक्ट्रोफोरिस है एस डी एस पेज है और बहुत सारी टेक्नीस आपको इस बुक में मिलेंगी उसके बाद है मोलिकुलर सेल बायोलॉजी बाई लोडिश सो आप साइटोजेनेटिक्स और मोलिकुलर जेनेटिक्स के लिए इन सब में से किसी भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको कंटेंट अच्छा मिले आप उस बुक का यूज कर सकते हैं सो प्लांट ब्रीडिंग और बायो के पेपर के लिए कौन कौन सी सजेस्टेड ब्रीडिंग्स हैं अब हम वो देख लेते हैं तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू प्लांट ब्रीडिंग बाई आर सी चौधरी देन वी आर हैविंग प्लांट ब्रीडिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स बाई बी डी सिंह दिस बुक विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर द प्लांट ब्रीडिंग पेपर Next is Fundamentals of Plant Breeding. Next one is Principles of Plant Breeding by I.D. Tyagi. And next one is Plant Breeding Methods. Okay, so you can use any one of these books for the Plant Breeding and Biostatics paper. नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले पेपर की जो कि है इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड प्लांट सॉइल रिलेशनशिप सो इसके लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो बेस्ट हैं अब हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो अगर आपको सॉइल के बारे में पढ़ना है तो ब्रैडी की बुक बेस्ट है द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल्स बाई ब्रैडी

Environmental Science by H. C. Santra, and Fundamentals of Ecology by E.P. P. Odom. So, ecology के लिए आप इस book का use कर सकते हैं. Properties of soils के लिए आप Brady की book का use करें और uh, environmental science के लिए आप इन दोनों में से किसी भी book का use कर सकते हैं तो ये तो हो गई आपकी एम एस सी बॉटनी सेमेस्टर थ्री की सजेस्टेड रीडिंग्स तो तीन पेपर हैं एमएससी बॉटनी सेमेस्टर थ्री में आगे जो ट्वेंटी ट्वेंटी का जो सिलेबस आएगा इसके बाद उसमें हो सकता हो कि चार पेपर एड हो जाएं क्योंकि जो प्रपोज सिलेबस है ट्वेंटी ट्वेंटी का लखनऊ यूनिवर्सिटी का उसमें उन्होंने चार पेपर मैंशन कर रखे हैं सेमेस्टर थ्री में तो आगे चल के सिलेबस हो सकता हो चेंज हो जाए सो so, अभी का तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये तीन पेपर हैं एम एस बॉटनी सेमेस्टर थ्री में सो so, इन तीन पेपर्स के लिए आप इन सारी बुक्स का यूज़ कर सकते हैं और ये सारी बुक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी आपके एम एस बॉटनी में इसके लिए आप लोग अपने टीचर्स के नोट्स को फॉलो करिए अपनी बुक्स को फॉलो करिए और अपने नोट्स भी खुद प्रपेयर करते चलिए जिसकी वजह से आपको आ, कोई भी आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी सो थैंक यू सो मच इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट सक इब टू माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स और इन बुक्स के लिंक्स जो गूगल बुक्स पे इजिली अवेलेबल है बुक्स उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है आप वहां जाके देख सकते हैं सो थैंक यू सो मच